अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पहली वीडियो में भी देख चुके होंगे और आगे इससे पहले भी वीडियो में देखते रहे हैं कि मैं ऑनलाइन सामान मंगवा के उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, उस पर रिव्यू देता हूँ कि वो कैसा निकले। तो इस बार फिर मैंने दो पैकेज मंगवाए हुए थे। तो पहला जो मैंने पार्सल खोला है उसमें तो बहुत मायूस हुआ हूँ। अभी दोनों एक साथ ही ऑर्डर किए हुए थे, इसलिए अभी दूसरा भी ओवर शॉपी का ही है। मैंने उन्हीं से ऑर्डर किए हुए थे दोनों। तो अभी देखते हैं ये दूसरे में क्या है और जो मैंने ऑर्डर किया था वो मिलता है। मैंने एक ट्रॉली बैग ऑर्डर किया था, लेकिन जो ट्रॉली बैग उन्होंने अपनी वेबसाइट में दिखाया था, अभी पैकिंग देख के ही पता चलता है कि वो चीज़ नहीं है, बहुत लो क्वालिटी है। खैर, ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले एक बीपी मॉनिटर, पहले मैंने jazz.com से बीपी मॉनिटर मंगाया था, उसको बहुत पसंद किया लोगों ने। तो मुझसे दो बीपी मॉनिटर किसी ने कहा था कि मुझे मंगवा के दे, अभी मैंने मंगवाए हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बीपी मॉनिटर वो 8 रियाल 900 का, अभी ये 10 रियाल का है। तो इसका तो पहले बॉक्स भी सारा फटा हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई यूज़र मैनुअल वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। ये बीपी मॉनिटर है, आप देख सकते हैं। ये इसको ओपन करें, दोस्त देख सकते हैं आप। मैं आपको दूसरा बीपी मॉनिटर भी दिखाता हूँ जो मैंने 8 रियाल 900 में मंगवाया, ये 10 रियाल 900 में आया, 1 रियाल का फर्क है। और अभी आप देखें, आप देखेंगे, ये देखें, ये इसका बॉक्स देखें और इसका बॉक्स देखें, ये दोनों बीपी मॉनिटर, एक 8 रियाल 900 का, एक 10 रियाल 900 का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर यूज़र मैनुअल भी है और बॉक्स खोलें, बॉक्स के अंदर ये ऐसा ही सेम, देखें आप, कोई फर्क। इसके बाद अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तो ये 8 रियाल 900 वाला निकला, अभी देखें, 8 रियाल 900 वाला और 10 रियाल 900, इसमें कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल सेम है। सिर्फ वो पैकिंग डिफरेंट करके तो उसकी प्राइस ज़्यादा कर दी है और उसमें इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। ये सिर्फ अपना जो कस्टमर है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सिर्फ उसकी पैकिंग मुख्तलिफ की है और पैकिंग अलग करके, अलग कलर का डब्बा दे के सब कुछ करके, तो उसमें 1 रियाल का मार्जिन उन्होंने ले लिया। अभी जो मंगवा चुका है उसमें कहाँ वापस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक तो आपको ये दिखा, दूसरा इसके अलावा मैंने मंगवाया था एक ट्राली बैग, बैग उसमें जो उठाई हुई थी वो कुछ और थी और ये कुछ और। ये आप देख सकते हैं, है ये 20 इंच का ट्राली बैग, लेकिन क्वालिटी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये 100 पैसे में दिया उन्होंने, तो 100 पैसे के हिसाब से ठीक है, 100 पैसे में कुछ भी नहीं मिलता, तो उस हवाले से ये ठीक है। लेकिन इसमें सामान रखने की स्पेस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ब्रीफ केस, नॉर्मल ब्रीफ केस इसमें होता है, सिर्फ उतनी जगह है सामान रखने की। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक स्कूल बैग या ब्रीफ केस टाइप। मैंने क्योंकि पिक्चर में बड़ा दिखाया हुआ था तो मैंने समझा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर, ये बैग की तरफ से फिर भी मैं मतलब मुतमैन हूँ, क्योंकि 100 पैसे में ऐसा बैग नहीं मिलेगा आपको। 100 पैसा मतलब 45 रुपये पाकिस्तानी, तो उसमें आपको ऐसा 45 रुपये में या 100 पैसे में आपको बाहर दुकान पर बैग ऐसा नहीं मिलेगा। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, चल गया। सिर्फ मुझे जो अच्छा नहीं लगा इनका, एक तो ये इसमें डिफरेंस, मतलब मशीन सेम है और पैसों में इसका डिफरेंस है। दूसरा, इसका डिलीवरी सिस्टम बहुत बहुत ही ख़राब है।
मैं उससे मुतमिन नहीं हुआ और मैं कम से कम दोबारा उन लोगों से और से कम शॉपिंग नहीं करूँगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।